वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स क्लास 8th का प्रैक्टिस सेट पेपर सेट 1, जो कि परीक्षा अध्ययन का है। उसी को ही मैंने इजी वे तरीके में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि चीजें रटे नहीं, समझें, ताकि क्लास 9th में भी हमें काम आए और इन फ्यूचर भी हमें कुछ बनने में ये काम आए। पढ़ना तो है, लेकिन कुछ सीख के पढ़ें तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसी चीज को मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। मैथ है, रट नहीं सकते हैं, क्वेश्चन यदि बदल गए तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसी चीज को मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में यदि मेरा चैनल आप लास्ट तक इसको देखिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। यदि अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द इक्विवेलेंट, पहला क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 2/3। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वो होते हैं, मतलब इसमें किसी चीज को इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए तो वैल्यू तो देखने में ज्यादा आपको लगेगी, बट यदि इसको फिर से सिंप्लीफाई करें तो वापस आप वहां तक पहुंच सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। ध्यान दीजिए, इसके अंदर आपका 4/6 ये राइट आंसर है। अब ऐसा क्यों है ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 इधर मैंने इनको समझाया हुआ है, आप इसको भी समझ, इसीलिए मैंने डिटेल में इसको समझाया हुआ है। इसलिए होता है क्योंकि देखिए यहाँ पे 2/3 है। यदि मैं देखूं कि दोनों में यदि मैं 2 का नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो 4/6 आ जाएगा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, इसको फिर से सॉल्व करूंगा तो वापस मैं यहीं पर पहुंच जाऊंगा। तो इसीलिए इसका आंसर होगा 4/6। यहां पर देखिए 2 3 जा 6, लेकिन 2 3 जा 6 किया तो 3 3 जा 9 होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, साइन भी अलग है। तो इस तरह से आपको ये समझना है। तो पहला क्वेश्चन ये जो है मैंने इसको समझाया हुआ है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ क्वाइन टॉस्ड, जब एक क्वाइन क्या है टॉस किया जाता है तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग हेड। एक सिक्के के अंदर हेड और टेल दो चीजें होती हैं, हेड और टेल। तो जब एक बार आप इसको टॉस करेंगे, उछालेंगे, तो दो ही प्रोबेबिलिटी मतलब संभावनाएं हो सकती हैं, या कि ये हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जितने आउटकम्स, आउटकम्स मतलब जो आप चाह रहे हैं, और टोटल क्या हो सकता है वो नीचे लिखा जाता है। तो टोटल देखिए हेड या टेल दो ही चीज हो सकती है, इसका मतलब दो इसके जो है दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, हेड और टेल दोनों को जोड़ा हमें 2 आ गया। हमें चाहिए हेड, एक ही बार उछाला है, इसलिए 1/2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3rd के अंदर देखिए स्क्वायर ऑफ द 12। हमारी बुक में क्लास 8th की मैथ में 20 तक जो है स्क्वायर गिवेन है, आप उनको उनको याद करना चाहिए। डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन आप इसमें पूछते हैं कि 12 का स्क्वायर क्या होगा। यदि नहीं बनता है तो इसका आंसर आपका 144 होगा। कैसे हुआ? 12 का स्क्वायर का मतलब होता है दो बार सेम चीज का मल्टीप्लाई। अब 12 × 12 आप करेंगे तो 144 आपका राइट आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द रेक्टेंगल इज ऑफ लेंथ 4x/y। यहां पर जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ये होता है लेंथ, ये होता है ब्रेथ। अब लेंथ यहां पर गिवन है देखिए 4x/y और ब्रेथ दिया है 6y2। अब पूछ रहा है इसका एरिया। सीधी सी बात है, एरिया आप RECT में लिखा हूं, आपको रेक्टेंगल समझ लेना है। एरिया ऑफ द जो रेक्टेंगल है ये फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की जगह में हमने 4x/y लिख देना है और ब्रेथ की जगह में 6y2। किया कैसे जाता है देखिए तरीका, 4 का 6 से नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई किया, 24 आ गया। एक्स यहां पर है नहीं, इसलिए एक्स ऐसे आ जाएगा। 1/ इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो दोनों की पावर 2+1 और ये 3 हो जाएगा। तो 24x/3 बोलते हैं इसको, तो ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद सिंपलर फॉर्म ऑफ द 8x+8। जब भी ऐसा आपको लगे कि यहां पर इस तरह की कंडीशंस बन रही हैं, इसमें से आपको कॉमन ले लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पर मैंने हर चीज में मार्किंग की हुई है, आप इससे जो है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए यहां पर 8 हमने कॉमन लिया, तो यहां पर बच गया एक्स, इससे 8 ये बाहर चला गया तो 1। कैसे करेंगे? 8x वापस से चेक भी कर सकते हैं, 8x मेरा सही है, 8 1 जा 8 ये भी सही है। और अब इसमें क्या होता है, ये 8 और ये 8 काट सकते हैं, बच गया मेरा x+1, यही आपका राइट आंसर। यहां पर देखिए x+1 इज द राइट आंसर। तो आई होप ये समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स।
इन इक्वेशन 3x इक्वल टू 2x प्लस 18 द वैल्यू ऑफ x। जब यहां पर 2x और प्लस 18 है तो देखिए इसको कैसे करना है। आपको लाइक जो ये वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ कर लेना है। यहां पर 3x है, 2x जब इक्वल के इधर बाउंड्री लाइन को पार करेगा तो ये साइन अपना चेंज करेगा, ये प्लस है तो ये माइनस है, यहां पर 18 ऐसा ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है। तीन में दो चीजें माइनस करेंगे तो आपको बचेगा एक चीजें, तो 1x को हम 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ x लिख देते हैं और 18, तो x की वैल्यू यहां पर 18 आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन टॉसिंग अ क्वाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। सेम वही क्वेश्चन है, यहां पर टोटल होगा 2 और टेल आने की संभावनाएं 1 होती हैं, तो 1 अपॉन 2। पहले वाले चूज द करेक्ट आंसर में पूछा था हेड आने की, तो वहां भी 1 अपॉन 2 था, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये क्वाइंस वाले क्वेश्चन हर बार आते हैं। क्यूब ऑफ द इवन नंबर। अब इवन नंबर का मतलब क्या होता है, देखिए इवन मतलब होता है क्यूब ऑफ इवन। इवन नंबर जो 2 की टेबल में आए, सीधा संबंध जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, जिस संख्या के लास्ट में ये नंबर हो वो इवन नंबर कहलाती है। सीधा समझने के बाद एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे 20 हो गया, मैंने बोला 4, 24 हो गया, 22 हो गया, 8 4 6 8 6 हो गया, तो इस तरह से जो है इन सब के लास्ट में देखिए 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो ये इवन नंबर। तो यहां पर देखिए मैं 2 का यदि मैं इसका क्यूब, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो 8 आया और 8 आपका इवन नंबर है, आप ये देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा इवन ही होगा, यदि क्यूब आप क्यूब करेंगे इवन नंबर का तो इवन नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए इंटू विद इन ब्रैकेट माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं, यहां क्वेश्चन नंबर 9 है, यहां आपने ए में माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए का क्यूब आएगा, तो वही चीज यहां पर देखिए लिखा हुआ है। इसके बाद ए क्यूब गिवेन है, माइनस है इधर प्लस है, आंसर आपका माइनस में आएगा। जब भी सेम बेस होते हैं और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, तो ये एक्सपोनेंट आपस में जुड़ जाते हैं, तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, और बेस एक बार सिंगल लिख देते हैं। यहां पर जो आपका आइडेंटिटी लगेगी तो ए एम और ए एन, तो ये हो जाएगा ए एम प्लस ए एन, तो ये आइडेंटिटी भी लगी है, ये भी आप यहाँ पर ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो है मैंने इसी के अंदर समझा दिया कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द 28x की पावर 4 है यहाँ पर, और डिवाइड करना है 56 अपॉन x। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर 28 ही हमने सब लिख दिया है, नीचे डिवाइड है इसलिए हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स 4 बार है तो 2 3 4 बार लिख दिया, एक्स 1 ही बार है तो ऐसे लिख दिया। अब दोनों इस तरह में हो तो हम यहां पर इस एक्स से एक्स कट गया, बच गया हमारा एक्स का क्यूब, बच गया हमारा एक्स का क्यूब। उसके बाद ये देखो 28 1 जा 28 और 28 2 जा होता है 56, इसीलिए आपका आंसर आ जाता है एक्स क्यूब अपॉन 2। तो यहां पर जो है आपने एक्स क्यूब अपॉन 2 इसको लिख देना है, और इसका आंसर है ए की पावर माइनस ए की पावर 6। तो यहाँ पर ये पूरी एक्सरसाइज मैंने जो है आपको समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगता है तो आपको इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम मेरे आर्य एंड आदित्य क्लासेस है, बाकी मैंने साइंस के भी वीडियोस एक्सरसाइज बनाया हुआ है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि उसको भी मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि आप जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। ये आप देख सकते हैं, मैं फिर से इसको दिखा देता हूँ, ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।